देखिए 12 वोल्ट ऑन है, 12 वोल्ट 4.9 से 5 वोल्ट रेडी है, और यहाँ पर देखिए 35 वोल्ट ये बैकलाइट के लिए है। दोस्तों वेलकम टू इलेक्ट्रो एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक सैमसंग का LCD TV आया हुआ है, उसका प्रॉब्लम है ऑन नहीं हो रहा है, SMPS का प्रॉब्लम है। मैंने देखा तो ये वाला STR जल गया था, ये फ्यूज वाला रेजिस्टेंस भी जल गया था, तो STR ओरिजिनल नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने ये मॉड्यूल लगा दिया। कैसे लगा है वो अब दिखाता हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूँगा। देखिए ये वाला मॉड्यूल है, ये मार्केट से आसानी से 100 रुपये में मिल जाता है। ये किसी भी SMPS पर लगता है, जो आउटपुट 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक आउटपुट होगा उस SMPS पर लग जाएगा आराम से। तो लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए इस मॉड्यूल पर ये गाइड दिया हुआ है पहले से। देखिए जो DC 300 वोल्ट कैपेसिटर है, ठीक है, वहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है, नेगेटिव पर ब्लैक वायर लगेगा। नेगेटिव पर ब्लैक वायर लगेगा और वो जो STR या MOSFET जो भी है उसका आउटपुट से एक SM ट्रांसफार्मर कनेक्ट हुआ होता है, उसको काट करना पड़ेगा, नहीं तो वो STR भी उखड़ना पड़ेगा। वहाँ पर रेड वायर लगेगा, काट करके उस वाले पॉइंट पर रेड वायर लगेगा और SM ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है, आउटपुट पर डायोड के बाद पॉजिटिव साइड में येलो वायर लगेगा और नेगेटिव साइड में ब्लू वायर लगेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही मैं कनेक्शन कर किया हूँ। देखिए DC कैपेसिटर पॉजिटिव, देखिए सीधा चला गया ट्रांसफार्मर पर, और ट्रांसफार्मर एक और एक पॉइंट देखिए यहाँ पर STR पर कनेक्ट हुआ था, मैंने STR को रिमूव कर दिया हूँ, रिमूव करके यहाँ पर रेड वायर लगा दिया हूँ और ब्लैक वायर देखिए ये नेगेटिव आया हुआ है, नेगेटिव पर लगा दिया हूँ। देखिए आउटपुट यहाँ पर है, एक डायोड है, डायोड पर येलो वायर लगा दिया हूँ और ब्लू नेगेटिव पर लगा दिया। देखिए दोस्तों इसका वोल्टेज देख लीजिए, पहले 12 वोल्ट 4.9 से 5 वोल्ट रेडी है, और यहाँ पर देखिए 35 वोल्ट ये बैकलाइट के लिए है। देखिए मेरा पावर सप्लाई डाउन हो गया, देखिए TV भी ऑन हो गया। मैंने यहाँ पर मॉड्यूल को फिक्स कर दिया हूँ। वीडियो छोटा सा जानकारी था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।